Very welcome to you all on our YouTube channel Chengar. This is Imran Chaudhary has come with the new session. That's the vocabulary. हम लोग जो session लेके आए हैं वो vocabulary पे session लेके आए हैं special आपकी demand पर. जी हाँ, हम कुछ ना कुछ इंग्लिश में बिल्कुल नया करते जा रहे हैं और दिन पर दिन हम इस चीजों में जो हमने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी उसमें कहीं ना कहीं हम चीजें ऐड करते जा रहे हैं, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश की सबसे बड़ी जो बाधा बनी हुई थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप कमजोर दिखती हुई कमजोर दिखेंगी आपको और आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छा कर सकेंगे, चाहे वो आपकी स्पीकिंग हो, रिटन हो, या आप किसी भी एग्जाम संबंधित तैयारी कर रहे हो, ये इंग्लिश लैंग्वेज आपको कहीं ना कहीं जटिल पहले के मुकाबले नहीं लगेगी. तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास से जो वर्ड मीनिंग के साथ में. तो इस क्लास में मैं बेसिकली आप लोगों के साथ में 5 वर्ड मीनिंग डिस्कस करूंगा, लेकिन कल से हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे, धीरे धीरे ऐड बढ़ाते रहेंगे. ये सेशन हम लोग का सिर्फ 15 मिनट का होगा, मॉर्निंग में 5:45 से सुबह 6 बजे तक. हर रोज 5:45 से सुबह 6 बजे तक आप लोगों का ये सेशन होगा. फिर 9 बजे मुलाकात होगी इंग्लिश कक्षा में, जो कि बेसिक क्लास है आप लोगों की इंग्लिश की. फिर मुलाकात होगी 11 बजे सुबह, जिसमें कि द हिंदू आपको पढ़ा जाता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का. और साथ ही साथ में आपके करंट अफेयर्स को लेकर के, आपके जो है जीएस को नॉलेज लेकर के, काफी सारे इसमें जो है प्रभाव रहते हैं और काफी उसका बेनिफिट्स आपको दिखाई पड़ता है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आप सभी का स्वागत है फिर से आपके यूट्यूब चैनल चैनकर पर. जो पहला जो आप लोगों का वर्ड है वो वर्ड है पर नीसियस. कौन सा वर्ड है? पर नीसियस. ठीक है, हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी. ठीक है, काफी बार डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी आप लोगों को ऐसे वर्ड्स जो जब हिंदू में हम लोग पढ़ते हैं. क्या है? पर नीसियस. देखिए वर्ड मीनिंग फिर से देख लीजिए आप, फिर से दिखाता हूं मैं आप लोगों को क्या वर्ड था हम लोगों का, पर नीसियस. ठीक है, तो वर्ड दिखने में रहा ना अजीब सा है, ठीक है, लेकिन वर्ड है, बहुत आसानी से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं. पर नीसियस, ठीक है, जिसका मतलब होता है डैमेज. क्या मतलब होता है? डैमेज. कोई चीज क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है. ठीक है, या फिर कोई चीज क्या होती है जो है इस तरीके से क्या करती है, डैमेज करती है, इसको किसी तोड़ देती है. ठीक है, डैमेज करती है, या फिर कहिए कि घातक होती है, कई बार हानिकारक होती है, कई बार इंजीरियस होती है कई बार. तो पर्निशियस का मतलब वही है. तो इसी चीज को यहां पे क्या किया है, डिस्कस किया गया, या डैमेज कह दीजिए या इंजीरियस कह दीजिए. ठीक है, डैमेज कह दीजिए, ठीक है, या इंजीरियस कह दीजिए. ठीक है, ये सारे वर्ड मैंने उसमें लिखे हुए हैं, चलते हैं उस ओर. ठीक है, क्या है? डैमेजिंग. क्या है? हर्टफुल. ठीक है, क्या करते हैं? हर्ट करती है. ठीक है, डैमेजिंग हो गया आपका, हर्टफुल हो गया. पहला क्या हो गया? डैमेजिंग. दूसरा क्या है? हर्टफुल. ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे पर्निशियस को? पर्निशियस, पर्निशियस, पी से पेन, पी से पर्निशियस. पेन हुआ कब होगा? जब आपको हर्ट होगा तो क्या होगा? पेन होगा. तो पर्निशियस तो आपका डैमेजिंग हो गया, हर्ट हो गया, डिस्ट्रक्टिव. ठीक है, कोई चीज टूट जाती, क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव हो जाती है वो. ठीक है, तो क्या हो गया हम लोग का? डिस्ट्रक्टिव हो गया. ठीक है, और साथ में इंजीरियस. एग्जांपल देख लीजिए आप, इमेजिन याद रखें, ये इमेज याद रखेंगे. देखिए बाढ़ आ गई बहुत बुरी तरीके से, घर क्या हो गया? तबाह हो गया, बहुत सारा क्या हो गया? नुकसान हो गया लोगों का. तो इसका हमने क्या यूज किया? पर्निशियस यूज किया. एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैंने बहुत ही एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल दिया है, मैंने यहां वर्ड लग दिया है पर्निशियस. ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोग इंजीनियस यूज करते हैं और इंजीनियस ही हमें यूज करना चाहिए, लेकिन आपके याद रखने के लिए मैंने इस पन जो है पर्निशियस को, मैंने इस वर्ड को यूज किया. ठीक है, इंजीनियस को कि भाई हाँ ये क्या है? इंजीनियस है. तो इंजीनियस की जगह आप क्या यूज करते हैं? पर्निशियस यूज कर सकते हैं. और ट्रैफिक, ट्रैफिकिंग इज अ पर्निशियस ऑफेंस. ये क्या है? एक नाउन है. क्या है? एक नाउन है. नाउन तरह यहां यूज किया है, किसमें यूज किया है? हम लोगों का द हिंदू में आर्टिकल में. जो ट्रैफिकिंग है यानी कि जो तस्करी है वो क्या है? एक घातक अपराध है, एक जो हर्टफुल अपराध है. ठीक, तो ये हमें एक वर्ड मीनिंग हो गया हम लोग का. दूसरा वर्ड मीनिंग क्या है? दूसरा वर्ड मीनिंग है देखिए क्वेस्ट. ठीक है, क्वेस्ट, क्यू से क्वीन, क्यू से क्वेस्ट. ठीक, अब क्या होगा? राजकुमार को रानी की तलाश है, तो क्या करेगा? जाएगा ढूंढने के लिए, क्वेस्ट करने जाएगा, सर्च करने जाएगा, डिस्कवर करेगा. तो क्वेस्ट, ठीक है, रानी, क्वेस्ट, सर्च, मतलब क्या होगा इसका? सर्च. ठीक है, क्या करने गया? सर्च करने गया. ठीक है, उस सर्च में क्या हुआ? एक्सप्लेनेशन मिला उसको. ठीक है, अब आप बोलते हैं कि भाई आईएएस जॉब जो है ना वो क्या है? मुझे कुछ एडवेंचरस जॉब चाहिए, इसलिए मैं आईएएस जॉब ढूंढना चाहता हूं. तो एडवेंचर यानी कि कुछ नया ढूंढना. ठीक है, परसुइट यानी कि जब तक आप नया ढूंढने की कोशिश, जब कुछ आप नया कैसे ढूंढेंगे? जब तक उसे जारी रखेंगे आप. ठीक है, तो परस्यू करना उस चीज को. तो ये सारा का सारा क्या है? बड़ा हमारे क्वेस्ट के सिनोनिम्स हैं. ठीक,
जैसे कि आप देख रहे हैं इस लड़की को कुछ ढूंढ रही है ये लैपटॉप में, लैपटॉप में बताओ यार ये ग्लास ढूंढ रही है, हम तो लैपटॉप ऐसे पढ़ते हैं, तुम लोग ढूंढते कैसे? नहीं ना, हम लोग गूगल पे आते हैं सर्च करते हैं, तो ये ऐसे ढूंढ रही है ये, ठीक। अरे भाई चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं, ढूंढ रही है, ढूंढ रही है तो ढूंढने दो उसको, तो हम तो क्वेश्चन हम भी तो ढूंढेंगे ना कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे देखिए, दे हैव गॉन ऑन क्वेस्ट फॉर वाटर, वो जो है किस तलाश में गए हैं, वाटर की तलाश में गए हैं वो लोग, नाउन की तरह मैंने इसको क्वेश्चन को यूज किया है। देन आफ्टर दैट आर क्वेस्ट यू नोट, ठीक है, यह जो है मैंने द हिंदू का ही एक एग्जाम्पल लिया है, वहां पे एक फ्रेज आया हुआ था इस तरीके से, लाइन पूरी लिखी हुई थी, लोगों को समझ नहीं आता इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो इस क्वेश्चन का मतलब है क्या, सर्च करना, ठीक है, रिनोवेट करना, ठीक है, री इन्वेंट करना किसी चीज को, क्या करना, री इन्वेंट जारी करना, दोबारा से इन्वेंट करना, खोजना, ठीक है, किस चीज के लिए, जर्नलिज्म में, जिससे कि क्या हो सके, एक न्यू एज मिल सके, एक नई सफलता मिल सके, और सिद्धांतों पर, या फिर जो है जिसे पुरानी सभ्यता चल रही है एक किसकी जल्दी इसको फॉलो करना, उसको हम ना करें और कुछ नया इसमें चीज को लाते रहें। नाउ नेक्स्ट वर्ड है ब्लॉट, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ब्लॉट, ब्लॉट क्या हो गया आपका, देखिए जो बेसिकली ब्लॉट है, ब्लॉट का ब्लॉट क्या है, एक बैरियर है, क्या है ब्लॉट, एक बैरियर, ठीक है, ब्लॉट हो गया, ठीक है, जैसे आपके बी से ब्लॉट, बी से ब्लॉट याद रखिए और कुछ मत ध्यान रखिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके में क्या हुआ, पेपर आपके में कठिन आ गया और आपका दिमाग क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक कैसे हो गया, यानी कि अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया यानी कि सब कुछ खत्म हो गया, रुक गया, बैरियर आ गया, बी से बैरियर, बी से ब्लॉक, ठीक है। मैं जब जा रहा था रास्ते में तो वहां पे बैरियर था, बैरियर ने क्या किया आपके रास्ते को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे जाते शिमला जाते घूमने के लिए, लेकिन क्या है कि बर्फ ही बर्फ पड़ा, यहाँ पे लिख दिया रोड क्लोज, ठीक है, तो ये क्या है, एक आपका बैरियर है, ब्लॉक हो गया रोड, ठीक है, आगे ब्लॉक हो गया तो यहाँ पे बैरियर लगा दिया, ठीक है। सीज, ठीक है, कोरोना वायरस, जब कोरोना पेंडेमिक बहुत बढ़ रहा था तो कई सारे क्या हो गए थे, एरिया सीज कर दिए गए थे, ठीक है, कई मार्केट को क्या किया था, शट ऑफ कर दिया गया था, तो शट ऑफ भी है, वर्ड है, शट ऑफ भी कर दिया गया था, ठीक है। फिर ये छोड़िए, गलती से आ गया है परसुइट, ठीक। देन आफ्टर दैट तो हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था। नाउ एक वर्ड है प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है, फेमस, शाहरुख खान जी बहुत फेमस आदमी है ना, तो शाहरुख खान तो भूलोगे नहीं इनको, ठीक है, प्रोमिनेंट रहेंगे, ठीक है, तो क्या है ये, फेमस है, और जो फेमस होते हैं वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो इंपॉर्टेंट भी क्या है, इसी का एक सिनोनियम है, ठीक। दूसरा क्या है हम लोगों का, जो एमिनेंट, ठीक है, एमिनेंट भी किसका है, अब भाई फेमस होंगे तो वो एमिनेंट भी होंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज यूज किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको, भाई शाहरुख खान हमारे फेमस हैं, एक्टर हैं, तो हमने उसको बोल दिया, उनको बोल दिया, क्या बोल दिया उनको मैंने, कि भैया जो शाहरुख खान इज अ परमानेंट एक्टर, ठीक है, वो क्या है, परमानेंट एक्टर है, इसको मैंने एज ए एडजेक्टिव यूज किया, परमानेंट एक्टर, ये एक्टर क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो मैंने इसको एज एन एडजेक्टिव यूज किया है। और द हिंदू में कैसे यूज किया गया था इसको, इंटरनेशनल रिलेशन वर बींग हैंडल, हैंडल्ड जो है, इंटरनेशनल रिलेशन हैंडल किए जा रहे हैं किसके द्वारा, बाय परमानेंट सिटीजन, सिटीजन यानी कि जो इंपॉर्टेंट सिटीजन है उनके द्वारा। और एक इसका एक और जो है सिनोनिम है, वो है नोटिसिबल, अब फेमस होंगे तो कोई भी आपको नोटिस करेगा, तो क्या हो गया, नोटिसिमस। दूसरा क्या है, नोटिसिबल, दूसरा हम लोगों का क्या है, वो है डिलेमा, क्या है हम लोगों का डिलेमा, डिलेमा क्या है, कंफ्यूजन, अब ड्रामा को क्रिएट करता रहेगा आपके सामने, कंफ्यूज हो गया ना हमेशा उसके सामने, ठीक है, आपका दोस्त आपके सामने ड्रामा करता था, आप हमेशा कंफ्यूज होता है कि क्या कह रहा है ये सच में झूठ, ये सच में मुझे डरा रहा है कि बंद दे बाबू जी बुला रहा है, ठीक, तो क्या बोलते हैं, तो अब देखिए वो कंफ्यूजन है इससे। चलिए अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, क्या हुआ कि आपका, आपको जो है ना सम दो सिचुएशन है, पहला सिचुएशन ये है, आप इंटरव्यू में गए तो बोले बेटा देखो अच्छा तुम क्या बनोगे, तुम आज आईएएस नहीं बोले, आईएएस का ऑप्शन, आईएएस ऑप्शन सीधा बोल दोगे तो आईएएस बनेंगे, ठीक, तो बोलते क्या देश में घूमना, विदेशी विदेश में घूमना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप जो है अपने देश में घूमना चाहते हो, ठीक, तो सोचते यार विदेश के बारे में सोचा तो बहुत था, ठीक है, यूएसए में ऐसा होता वैसा होता, यूएसए में चले जाएंगे तो बहुत घूमने को मिलेगा, देश में क्या घूमतेंगे, यानी कि देश में घूम कैसे, आईआर अब जो है उसमें चले जाइए आप, जो हमारा आईआरएस होता है इंडियन रेलवे में चले जाइए आप, ठीक है, तो उसमें चले जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे चांसेस मिलते हैं। दूसरा हम लोग बात क्या कर रहे थे कि घूमने वाली बात कर रहे थे, तो घूमने देश का घूमने का मौका मिल जाए तो आप देश वाला लेंगे या विदेश वाला लेंगे, तो आप डिलेमा में फंस गए, क्या लें, देश वाले हैं या विदेश वाले लें, विदेश में घूमेंगे तो अलग देश का देखेंगे, लेकिन देश में देख खुद देश को भी देखा, अपने देश को भी सही देखा है, तो यहां रहे, तो क्या फंस गए, आप डिलेमा में फंस गए, ठीक, तो डिलेमा हो गया एक तरह से, तो डिलेमा क्या आपको कई बार डिसीजन ऐसा होता है, आपके डिसीजन में कई बार ऐसी जाती है क्या करें क्या ना करें, आपको उसका फोन आया चलो यार कॉफी पीने चलते हैं, और अभी आप पढ़ने बैठे ही थे, ठीक है, फिर कंफ्यूज हो गए यार क्या अभी छोड़ के जाएं, ठीक है, या अभी पढ़े, ठीक, अभी वही आ रहा होगा 5:30 बज रहा है सुबह का, क्या वीडियो देखें सो जाएं,
ठीक है, ये नेम आ रहा होगा, तो क्या है आपका प्रेडिकमेंट। ठीक है, दूसरा वर्ड कौन सा है, पजल। दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है, पजल। आप पजल गेम सॉल्व करते हो तो वो इसी के क्या है, सिनोनिम है। ठीक है, और एक कंफ्यूज मैंने लिख दिया। नाउ इसके एग्जांपल देख लेते हैं आप थोड़ा सा, एग्जांपल में क्या है, इसका एग्जांपल ये है, देखते हैं। एग्जांपल, ही इज इन द डिलेमा, इसको नाउन की तरह मैंने यूज किया, वो किसमें है, डिलेमा में है अभी, ड्यूरिंग पैंडेमिक ड्रिवन। ठीक है, तो ये आर्टिकल यूज किया गया था, ये इस आर्टिकल में इस वर्ड को यूज किया गया था, आप इस डिलेमा को देखते हैं, नाउन की तरह इसको यूज किया गया था एक। ठीक है, नाउ एग्जांपल समझाऊं, साथ में आपको मैं दिखा भी रहा हूं कि कैसे हम लोग को उसमें यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये वर्ड मीनिंग समझ में आए होंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ 15 मिनट लेंगे, हो सकता है 15 मिनट से कम भी लें। ठीक, तो आप उठ करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आप अपने कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले, जिससे कि आपकी दिन प्रतिदिन क्या हो, वोकैबुलरी अच्छी होती रहे और आप एक दिन जो है वर्ड ऑफ मैन कहलाएं। ठीक, कि वो क्या भाई, कोई सा पूछ ले ऐसे बता देंगे, ऐसे हिंदू क्या है, हिंदू अरे पढ़ ले या हिंदू, 10 मिनट एक घंटा में पूरा चार आर्टिकल खत्म कर देते हैं, तो वो वाला स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना चाहिए। ठीक, तो यानी कि क्या, आप क्या करें, बता दिए, पढ़ा दिए, आप क्या करेंगे, चाय खत्म हो गया आप लोगों का, नहीं खत्म हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, चाय आराम से पीजिएगा। ठीक है, हम लोगों ने आपके लिए वर्ड मीनिंग खत्म कर दिया। ठीक, तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। ठीक, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अगर नए हैं तो, अगर पुराने हैं तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सुबह मिलते हैं 9 बजे आपके बेसिक क्लास में, जो इंग्लिश की जो बेसिक सीरीज चल रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको मिस मत कीजिए प्लीज। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो जितनी ज्यादा फ्रेंड तक हो सके इसको शेयर कीजिए, और 9 बजे क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए, अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। टिल द टाइम प्लीज स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, बाय बाय।